गाय के गोंद पे नहीं आ रहे हैं। तो अभी मैं भी गई हूँ टीका लगाने और आराध्या भी। चलो अब आएगी काजल बॉन्ड की और कुटुमदारी खाने। मेरे आदू बोली भात खा रही है। देखो मालक कोट बोबू। हाँ सही बात। जैसे सेल चिपकी होगी मेरे हाथों में ऐसा ही होता है यार। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता भैया, स्वागत आपका मेरे एक और ब्लॉग के साथ। और दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह की करीब 8 बजे से अपने रूम से। तो अभी हमने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया, बाद मतलब हम ही हमें नाश्ता करने वाले और लोग जा रहे हैं आज पीढ़ी पर्वत में, क्योंकि सास ससुर और कांची पूरी देखो उनकी तैयारी हो गई है पीढ़ी पर्वत में जाने की। अभी बैठी है नाश्ता कर रही है और से जा रहे हैं कुंड। देखो कहाँ जाना है, वहाँ उस पीढ़ी पर्वत में चढ़ाई चढ़ के जुरा जुरा कुछ नहीं मंदिर पर जान। हाँ, ठीक ना ऐसे ही लेके जा हवाई चप्पल। हवाई चप्पल होता को बड़े पतियाला चुप हुआ बड़ा। तो दोस्तों चले गए हैं कुंड वाले पे मतलब पीढ़ी वाले पे। और अभी कांची ना रेडी हो रही है, कांची रेडी हो रही है। वो तीनों के तीनों निकाल गए हैं क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, कम चल पाते हैं सासू जी। तो इसलिए ना कांची आराम से जाएगी। कांची बोली मैं तो वैसे भी छूपती हूँ, बोला उसे दादी। अभी बैठ रखी है धूप सेकने के लिए। और कुंड पर्वत कहाँ है भाई, पीढ़ी पर्वत देखो वहाँ जाना है उन्होंने। ये मेरी उंगली के सामने भी नहीं दिखाई दे रही, पीछे वहाँ जाना है, मतलब बहुत दूर है यार जाने के लिए। वैसे मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, लेकिन अगर मैं ऐसी हालत में नहीं होती तो मैं भी जाती आप लोगों को लेके जाती मैं भी वहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, किसी और बार जाएंगे, चार अधिक पापा आएंगे। और अभी ना नाश्ता पानी कुछ नहीं किया है, टाइम भी 9 बजने वाले हैं। और आज पैर कोड़ा सुतगारी भी है, बड़ी वाली सुतगारी। तो मतलब आज काजल आएगी अपने बॉन्ड, मतलब आज से ना काजल सबको टच कर सकती है ये करके। तो अभी पंडित जी तो आए नहीं है, तो देखते हैं पंडित जी कब तक आते हैं। और अभी आज हमारा खाना पीना भी वहीं है, तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को पहाड़ों का थोड़ा बहुत कैसे कैसे होता है पहाड़ में। कुंड वाले तो कुंड पहुंच गए, इसका अभी ब्रेकफास्ट हो रहा। रोटी में खा रही सब्जी, कंकोड़े की सब्जी है। कांची कुछ चेंज नहीं लग रही है, देखो कुछ फैशन ना सिंपल बाल किए है, मुंह देखो कैसा। लेडीज ने अपनी सूंदी पार्टी निकाली है। पे आ गए हैं पारेकोड़ा पंडित जी भी, और मैंने भी मुंह हाथ धुल लिया है, मतलब कि बाल वगैरह बना लिया है। आराध्या तो ली गई है पारेकोड़ा। और बाद बाकी तो आप लोगों को पता है आज मतलब मेरे ननद और गए हैं कुंड मतलब पीढ़ी पर्वत में। और मैं अभी भैंस को पानी पिला रही हूँ। मेरी सासू जी गई है नीचे, जो कि तो क्यों गई है मेरी सासू जी आज नीचे सफाई करने, तो ये तो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को वो करूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ हाल फिर पारेकोड़ा भैंस बांध के। रोमन क्यों आया घर, ओ रोमन रोमन है क्या है घर? देखो रोमन स्कूल से घर आ गया है, क्या है लगा गुर्जिका की जान लगे घूमने गई हम यहाँ। ये देखो ये है सब ननंद देवर सासू जी, सासू नहीं दीदी जी चावल निकाल रही है। अभी अपने लिए गुजारा कर अपने पेट पूजन के लिए गुजारा कर रही है हम यहाँ पे। अरे ये छोट गिलास, चलो वे लग जाओ काम पे। ये लच्छी ना बहुत काम चोर है, ये अपना मुंह नहीं दिखा। अब बड़ा वाला लेके आ बच्चा, इसका तो मुंह ही टूट गया। गाय के गोंद पे नहीं आ रहे हैं बिरारी गोंद खा वाले सबूत जाओ वे एक एक करके। तो पूजा संपन्न होने के बाद ना हम मतलब जो गाय का गोंद होता है उसे पीते हैं सुचित्र होने के लिए। देखो मैं भी गई हूँ पीने, का लग रहा अभी तो मेरे को ना हंसी आ रही थी आराधु को देख के। आज ना मतलब आधु को टीका लग रहा था, मैं अपनी मतलब अपना सर लेके जा रही थी आगे कि मेरे पे लग रहा बोला टीका।
अब आएगी काजल बॉन्ड की और मतलब दूसरे कमरे में अब आ रही है। पहले साफ़ जी आई दीपक लेके उसके बाद काजल और काजल तो देखे कुछ इस तरह से आना है और उसके बाद बेबी को लेके जाना है दूसरे रूम में और चावल चुवल तो डाल दिया। देखो अब आ गई, अब आ गई नोनी बॉन्ड, अब किसी को भी टचिंग कर सकती है। देखो माला कोट बाबू, कोट बाबू तो ना लगे खोल। ये देखो बराड़िया खड़ी है देखने के लिए। ये देखो सब बनाया, ब्लॉग ने बनाया, देखो सब ब्लॉग बना दी सब छकने पे लगे हैं। ये बोले ब्लॉग मत निकालो मेरे, ये मेरा है मैं भी खाती हूँ। सब बैठे हैं, लच्छी का मुंह हमेशा नीचे ही रही। तो मैं आरकोड़ो आ रखी हूँ अपने घर में क्योंकि दादी जी के लिए मैंने खाना लाया है वहां से आरकोड़ो से। और लग गए हैं लोग खाने तो चलो मैं भी जाती हूँ क्योंकि सास जी आवाज लगा रही आज तू भी बोला खाना खाने तो चलो। ये देखो बैठ रखी है कुटुमदारी खाने, मेरे आदू बोल रही भात खा रही। आ नीचे रख, मैं दिखाई दे रहा तेरी थाली भी, तू आगे क्यों बैठ रही, बार बार यहाँ मुंह नहीं दिखा। नहीं मेरे को अभी खाना पीना खाया और मैं सीधा आ गई थी, उसके बाद बर्तन वगैरह बांध के यहीं मतलब अपने घर में और टीका वगैरह भी लगाया था उस टाइम जब वीडियो बना रखी हुई मैंने साइज। तो अभी कर रही थी मैं छत का काम, ये जो सूर्यमुखी के फूल थे ना उससे बीज निकाले और उसका खा मतलब उसका खबाड़ा ये है और जितने फूल से बीज निकले हैं उतने मैंने यहाँ पे ढक के रखे हैं। देखो इतने निकले हैं ये बीज और ऐसे ही रहेंगे रात में क्योंकि सुखाना है इनको। आरा वहाँ पे है आदू की बुआ, तो कांची तो आ गई है पीढ़ी से और बाद बाकी सप्पू और वो लोग नहीं आए हैं। तो बेबी के यहाँ ना बेबी का नानी नहीं आई थी, नाना ही नाना जी आए थे, मतलब काजल की मम्मी नहीं आई थी, पापा पापा आए थे। तो ऐसे ही करिए मेरे हाथ देखो कैसे हो रखे, जैसे सेल चिपकी होगी मेरे हाथों में ऐसा ही होता है यार इससे हाथ के बेहाल, कभी छीने छीने मैंने निकाले उससे। ये देखो कुछ कुछ ना वही छूटे हैं, मैंने तो फटा के कुकड़िया चल चलने चलने नीचे नीचे। तो दोस्तों ठंड लग रही बहुत ज्यादा, ये देखो मेरे को कितनी जमा लड़ाता है। तो हमारे घर में अभी एक मेहमान हो रहा है इसकी नानी जी है ना, मतलब जो सास जी कुंड गई है ना उनकी मम्मी जी आ गई है, दादी की समीन नीति नीति की नानी दादी। ये देखो दादी की समीन दोनों के दोनों खड़े हैं और उन पे ना बुढ़ेले लग गए हैं। तो बुढ़े चलो चलती हूँ मैं चाय बनाने, चाय बनाती हूँ क्योंकि अब ना पीढ़ी वाले कांची तो कब की आ गई है, बाद तीनों नहीं आई है अभी, तो इनके लिए मैं चाय बना लेती हूँ, उनके लिए बाद में देखूंगी। तो दोस्तों हो गए हमारा खाना पीना भी और आ गए हैं ऊपर। तो चलो दोस्तों आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।